हर घड़ी, हर क्षण, हर गुजरता हुआ वक्त इतिहास की एक कड़ी है। ये सारी कड़ियाँ वक्त के साथ साथ जुड़ते जुड़ते एक कहानी बना देती हैं। लेकिन उसी समय में कुछ कड़ियाँ हम खो भी देते हैं, और तब ये खोई हुई कड़ियाँ जो कहानी बनाती हैं वो कहानी बहुत ही दिलचस्प होती है। तो ऐसी ही एक दिलचस्प कहानी की तलाश में आज मैं आया हूँ बनासर फोर्ट। तो चलिए जानते हैं इस किले के बारे में, इसके इतिहास के बारे में। तो हे गाइस, वेलकम बैक इन न्यू व्लॉग। तो गाइस, आज मैं आया हूँ सोलन, और यहाँ पे एक फोर्ट है जिसका नाम है बनासर फोर्ट। फोर्ट है ऊपर है, तो मुझे रास्ता नहीं मिल रहा है, बाइक मेरी नीचे है। ये देखिए पूरा जंगल जंगल है, रास्ता ढूंढना पड़ रहा है। तो चलिए देखते हैं अगर मिल पाता है तो। फोर्ट तो दिख रहा है ऊपर, बट रास्ते की दिक्कत है दोस्तों। तो बारिश हो रही है यहाँ पे, तो जगह भी थोड़ी सी फिसलन वाली हो गई है, पैर स्लिप हो रहे हैं। समझ नहीं आ रहा कि कहाँ से ऊपर मैं जाऊँ। तो मैं जा रहा हूँ, अब तो घास छोटी है, पीछे घास बहुत बड़ी बड़ी थी तो थोड़ी दिक्कत हो रही थी। तो वैसे मिलते हैं ऊपर फोर्ट में, चलिए। तो दोस्तों बारिश हो रही है, ऊपर से हवा लगी काफ़ी तेज। तो वैसे मैं इस फोर्ट में ज़्यादा देर रुक नहीं पाऊँगा, क्योंकि ऐसा सुनने में भी आया कि इस फोर्ट पे जंगली जानवर हो सकते हैं। तो देखते हैं ऊपर जाके। और ये रहा फोर्ट ऊपर, मैं इसी रास्ते के भरोसे जा रहा हूँ ऊपर। तो बस ये फोर्ट गोरखाओं ने बनवाया था। और दोस्तों ये कोई पर्टिकुलर कोई रास्ता है नहीं ऊपर जाने के लिए, ये तो आने जाने वालों ने ये जुगाड़ बनाया है। तो भाई जैसे ही हम ऊपर आए तो ये साइड का व्यू है, देखिए कितना शानदार है। इसका गेट देखते हैं, मेन एंट्री कहाँ पे है। काफी हवा, मेन गेट। और यहाँ पे भी कुछ बना हुआ है, आई थिंक यहाँ पे कुछ बनाया गया है, शायद यहाँ पे भी सैनिक वगैरह बैठते होंगे शायद, या गुप्तचर वगैरह जो कहते हैं वो शायद बैठते होंगे यहाँ पे। एक बार बाहर का व्यू दिखा देता हूँ आपको। और वैसे देखिए यहाँ पे भी खुदाई की है, आई थिंक खजाने वगैरह के लिए यहाँ पे खुदाई की गई है। दुश्मन चाहकर भी इस साइड से आ नहीं सकता। तो एक बार अंदर चलते हैं, और फोर्ट में एंट्री करने के लिए यही एक सीढ़ियाँ हैं, इन्हीं सीढ़ियों से आप चढ़ सकते हो।
और ये गाइस अंदर का व्यू, ये ऊपर से इसका जो गेट बनाया है राउंड में ये टूट चुका है, और ये देखिए पत्थर से ये बनाया गया, पतले पतले पत्थर यूज किए गए हैं और साथ में चूने पत्थर का यूज किया गया है। और ये देखिए कोई देखभाल नहीं है इस फोर्ट की, ये देखिए घास फूस भरा हुआ है यहाँ पे, और इसकी है कि सांप सूंप का थोड़ा डर है। और ये देखिए अंदर का व्यू, ये इस साइड भुर्जा एक, और अंदर भी ये महल टाइप बनाया गया है। हो सकता कि पहले के टाइम में यहाँ पे फ्लोर होते होंगे दो तीन, क्योंकि देखने में लग रहा है शायद। ये देखिए थोड़ा सा आगे चलने की कोशिश करते हैं। और दोस्तों यहाँ पे भी एक रूम हुआ करता था, छोटा सा रूम, और ये देखिए यहाँ पे एक भुर्ज था जो कि टूट चुका है। ये देखिए आई थिंक यहाँ पे फ्लोर, एक ये फ्लोर होता था, यहाँ पे छत होती थी शायद, और ये ऊपर होल बनाए गए नज़र रखने के लिए, और वैसे ही टॉप पे भी हैं, तो हो सकता कि दो तीन फ्लोर हों यहाँ पे। और यहाँ पे कुछ कांटे खतरनाक भी होते हैं, मैं थोड़ा सा ऊपर दीवार पे आ गया हूँ क्योंकि नीचे काफ़ी घास फूस है। और ये देखिए होल, आई थिंक यहाँ से गोलाबारी करने के लिए। और दोस्तों यहाँ पे आपको साफ दिख रहा होगा कि यहाँ पे एक छत शायद बनाई गई थी जो कि गिर चुकी है। थोड़ा सा नीचे चलते हैं, परले साइड चलते हैं, यहाँ पे शायद राजा का महल होता हो, लेकिन आज इतनी बुरी हालत है इसकी क्योंकि यहाँ पे जगह जगह घास है, छोटे मोटे पौधे निकल आए हैं, और यहाँ पे भी देखिए ये होल से बनाए गए हैं। ये देखिए ऊपर, और एक रूम शायद ये भी है, एक रूम ये भी बनाया गया है, और यहाँ पे होल जगह जगह होल किए गए हैं। इसी टाइप से यहाँ इस साइड भी एक कमरा बनाया गया है। इतनी बुरा हालत है, सारा कुछ टूट चुका है यहाँ पे, ये बार यहाँ पे भी होल बनाए गए हैं, ये तो शायद टूट चुका है, टूट गया, इसके पत्थर निकल रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता। और ये देखिए नीचे से स्क्वायर में है और ऊपर से ये राउंड में बनाया गया है। और यहाँ पे जगह जगह होल बनाए गए हैं आने जाने वाले पे नजर रखने के लिए। ऐसा बोला सुना था मैंने कि यहाँ पे
जंगली जानवर रहते हैं, लेकिन कोई ऐसा मुझे लगा नहीं। ये देखिए दीवार, कितनी लंबी दीवारें हैं। और वो देख सकते हो दीवार से पेड़ निकल गया है, निकल के आ गया है। और यहाँ पे भी छत होती थी, आपको सरेआम दिख रहा होगा। और यहाँ पे भी आई थिंक छोटे छोटे रूम बनाए गए थे। ये देखिए कुछ होल जो हैं वो तिरछे हैं, कुछ बिल्कुल सीधे हैं। ये देखिए तो गाइस सिर्फ इतना ही था इस फोर्ट में, क्योंकि कुछ बचा नहीं है दिखाने लायक। एक बार मैं दोबारा आपसे दिखा आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए टॉप की छत जो सारी ही निकल गिर चुकी है। ये देखिए, और जो दीवारें हैं लगभग 3-3 फीट मोटी दीवारें हैं ये। और ये बाहर बाहर की दीवारें हैं ये, और उसके अंदर भी दीवारें हैं। तो शायद यहाँ पे राजा बैठता था, जो भी राजा थे, या उनका दरबार यहाँ पे लगता होगा। और ये सीढ़ियाँ हैं अंदर जाने के लिए, एकमात्र ये सीढ़ियाँ हैं। अगर कोई आ भी जाता तो सिर्फ यही सीढ़ियाँ थी जिनके हेल्प से अंदर जाया जा सकता है। और इन्हीं सीढ़ियों के नीचे एक रूम ये भी बनाया गया है। हो सकता है यहाँ पे सैनिक बैठते होंगे, और शायद इसलिए कि अगर कोई दुश्मन अंदर एंट्री करता है तो उन पीछे से हमला कर पाए कर सकें। तो गाइस अब बात कर लेते हैं इस फोर्ट की हिस्ट्री के बारे में। ये फोर्ट बनाया था अमर सिंह थापा ने, जो कि गोरखा सेना के सेनापति थे। और ये फोर्ट बनाया गया था 1806 से 1815 के बीच में। और ये फोर्ट गोरखाओं ने अंग्रेजों से युद्ध करने के लिए ये बनवाया था ये। और देख सकते हो कि कितनी हाइट पे है ये। और इस फोर्ट के अंदर एंट्री करने के लिए सिर्फ एक ही गेट है। और दूसरी बात यह है कि कुछ सिख लोग ये भी कहते हैं कि ये फोर्ट जो है बंदा सिंह बहादुर ने बनवाया था ये फोर्ट, तो ऐसा भी कहा जाता है। लेकिन हिस्ट्री में हम बात करें तो हिस्ट्री में इस फोर्ट के रिलेटेड बात आती है सिर्फ, और नाम आता है अमर सिंह थापा का।